एंड वेलकम बैक टू अनदर वीकली वीडियो। आज मैं हूँ वृंदावन स्टूडियो में, जो दमन से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। जितने भी माइथोलॉजिकल सीरियल अभी इंडिया में चल रहे हैं, उन सब की शूटिंग यहीं पे होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है चंद्रगुप्त मौर्या, जो स्टार प्लस पे सीरियल आती है उसका सेट है, और इसके सामने भी और एक सेट है। इसके सिवाय एक अभी स्टार भारत पे एक और सीरियल आ रही है राधा कृष्ण, उसका भी शूटिंग यहीं पे हुआ है। यहाँ पे विजिटर के लिए टाइम है 1 to 3 PM और एंट्री एकदम फ्री है। अगर मैं आज लकी हुई तो मुझे कुछ सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो भी खींचने का टाइम मिल जाएगा। ये पूरा सेट एक्सप्लोर करते हैं और आइए चलिए आपको भी दिखाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अभी जो आप देख रहे हैं वो चंद्रगुप्त मौर्या सीरियल का सेट है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारी वॉल और वो सब उन्होंने बनाई हुई है। जब भी शूटिंग होता है तो इस पर थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करके उसको एक्चुअल सेट में रेडी किया जाता है। सो इट्स गुड टू विजिट। आई विश कि अभी कोई शूटिंग देखने को मिल जाए और मैं यहाँ पे कुछ वीडियोज़ और फोटोज ले सकूँ, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एक्चुअली मैं दमन इतनी बार आई हूँ बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे नज़दीक में ऐसा कोई स्टूडियो भी है। अगर नेक्स्ट टाइम जब आप भी आए तो यहाँ पे आना मत भूलना। तो आइए चलिए दूसरे सेट दिखते हैं। अभी ये पूरे स्टूडियो में आप देखेंगे तो इस टाइप के सेट बने हुए ही है हर जगह पे। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो एक छोटा पैलेस जैसा दिख रहा है, और ये जो पीछे है वो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो एंट्रेंस गेट है उसका है। और थीम के हिसाब से इसको चेंज किया जाता है। अभी जाते जाते मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे उनका कुछ वर्कशॉप जैसा भी होता है, तो शूटिंग ख़त्म होने के बाद दूसरे सीन की शूटिंग के लिए या तो दूसरे सीरियल के कंसेप्ट के हिसाब से यहीं पर उसको थोड़ा ब्यूटिफिकेशन किया जाता है ये सारे सेट के मटेरियल में। अभी मैं हूँ वो भी एक सीरियल का ही सेट है। कोई यहाँ पे है नहीं इसलिए पता नहीं है कि ये कौन सी सीरियल का सेट है, बट आई थिंक इट्स लुक लाइक राधा कृष्ण सीरियल सेट। ये जो आप मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं, ये जो पीछे ट्रीज है वो रियल नहीं है, ये प्लास्टिक से बनी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं वो है मेकअप रूम्स, बहुत सारे कैबिन्स बने हुए हैं यहाँ पे। तो अभी मेरे पीछे शूटिंग चालू है इसलिए वो लोग अंदर अलाउड नहीं करेंगे, एंड वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द प्राइवेसी। कुछ क्लिप्स आपके लिए भी मैं इसमें डालूंगी। ये जो मैंने आपको बताया था कि सेट के हिसाब से इसका ब्यूटिफिकेशन यहीं पे होता है, तो ये है उनका वर्कशॉप, ये है सब उनका सामान। शूटिंग ख़त्म होने के बाद यहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है। जो पीछे आपको जो ट्रंक दिख रहे हैं आयरन के, उसमें उनके सब कॉस्ट्यूम होते हैं। और उसके बाद जो मैंने आपको वर्कशॉप दिखाई उसके अंदर सीन के हिसाब से उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना हो वो करके बाद में सेट पे सेट किया जाता है। अच्छा
अच्छा लगा ये सेट देख के। मैंने कभी फिल्म लोकेशन का सेट देखा नहीं है, इसलिए मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। और शूटिंग चालू थी बट वी कैन अंडरस्टैंड शूटिंग के दौरान वो किसी को बाहर से अलाउड नहीं करते हैं। अगर काश मैं एक आध सेलिब्रिटी को मिल पाती, अदरवाइज़ अच्छा स्टूडियो है, बहुत ही छोटा सा है। यू विल नीड ओनली 1 आवर मैक्सिमम टू एक्सप्लोर दिस। तो अभी कभी भी आप दमन आए, या तो बॉम्बे से आप वडोदरा या तो अहमदाबाद की साइड जा रहे हैं, डोंट फॉरगेट द टाइमिंग इज़ 1 to 3 PM। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट विजिट टू वृंदावन स्टूडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। सी यू ऑन नेक्स्ट संडे शार्प 8 PM। बाय बाय।